What's up guys, I hope you are all absolutely good and fine. Welcome to my channel Only Cinematic, see something cinematic, see something new. तो finally Filmora ने new product launch कर दिया जिसका नाम है Filmora X और Filmora 10. So आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे आप Filmora X अपने कंप्यूटर सिस्टम में easily download and install कर सकते हो and उससे कुछ new features के बारे में. आप अगर इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करिएगा और बेल आइकन को ऑल अलाउ मोड कर दीजिएगा बिकॉज ऐसे वीडियो में आपके साथ लाता रहता हूँ. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैना. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वीडियो को शुरू करते हैं. Filmora X को डाउनलोड करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो. जो फर्स्ट मेथड है, आप कोई भी ब्राउज़र पे जाइए और जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वो ब्राउज़र में ओपन कीजिए. यह है Filmora का ओरिजिनल जेन्युइन वेबसाइट. इसमें से आप Filmora डाउनलोड कर सकते हैं. जबकि आपकी ऐसे स्क्रीन पे देख रहे हो कि वंडर्स है Filmora X. दिस इज़ द न्यू रिलीज वर्सन बाय Filmora. विंडोज़ भी है, मैक भी है. आप फ्री डाउनलोड में क्लिक कीजिए या तो बाय नाउ कीजिए. बाय नाउ करने में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, मंथली या तो लाइफ टाइम या तो एनुअल. अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो फ्री डाउनलोड में क्लिक कीजिए. फ्री डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और आपके पीसी में इंस्टॉल कीजिए. दूसरा जो मेथड है आपका वो है, अगर आपके पीसी में प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है उससे आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो Filmora 10 पे. तो कैसे करना है, आप लोग अभी देख रहे हैं कि Filmora मेरा जो वर्सन है 9.6.0.18 मेरा पीसी में इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है. मैं जस्ट अपडेट करूँगा. अपडेट करने के लिए हेल्प सेक्शन में जाइए, चेक फॉर अपडेट कीजिए. देखिए लाइव अपडेट, एन अपडेट इज अवेलेबल. वुड यू लाइक टू अपडेट नाउ वर्सन 10.0. सो इधर बहुत कुछ लिखा हुआ है, अपडेट नाउ में क्लिक कीजिए. अपडेट नाउ में क्लिक करने के बाद आपको जो न्यू वर्सन है उसका टोटल दिखा रहा है 287.22 MB. वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा. डाउनलोड होने में जो टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है आपके एरिया में. देखिए मेरा 100% हो गया है. 100% होने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उधर लिखा रहेगा डाउनलोड कंप्लीटेड, प्लीज़ क्लिक येस टू क्लोज द प्रोग्राम रनिंग एंड इंस्टॉल द न्यू वर्सन. अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम ओपन करके भी इंस्टॉल कर सकते हो, पर आपको डाउनलोड करने का तब जरूरत नहीं है, एक बार ही डाउनलोड करना से हो जाएगा. तो मैं येस कर देता हूँ. ओके मैं क्लिक कर रहा हूँ. द सेटअप हैज़ डिटेक्टेड दैट अनदर वर्सन इज ऑलरेडी ऑन योर कंप्यूटर. टू इंस्टॉल करंट वर्सन इट हैज़ टू बी रिमूव फर्स्ट. तो मेरा जो प्रीवियस वर्सन है जो ये है Filmora 9, उसको अनइंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, तो मैं येस करूंगा. देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ गया, वेलकम टू द वंडरशेयर Filmora X सेटअप विजर्ड, बिल्ड वर्सन 10.0.0.90. तो मैं नेक्स्ट करूंगा, एक्सेप्ट एग्रीमेंट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और नेक्स्ट करूंगा और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. इंस्टॉलेशन आपका डिपेंड करेगा आपका कंप्यूटर सिस्टम में क्या स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर. अगर हाई एंड स्पेसिफिकेशन है तो टाइम कम लगेगा, अगर मीडियम एंड स्पेसिफिकेशन है तो थोड़ा टाइम लगेगा. सो आप देख रहे हैं वंडरशेयर Filmora X इंस्टॉल हो गया. अब इसको क्लोज करके मैं रन करूँगा. ये देखिए इधर डेस्कटॉप में शॉर्टकट भी आ गया, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा. वंडरशेयर Filmora वर्सन 10.0.0.90. सो दिस इज़ द लेटेस्ट वर्सन UI. आप लोग देख रहे हैं कि लगभग सेम ही है. आप अबाउट में जाके चेक कर सकते हो. वंडरशेयर Filmora 10.0.0.90. सो अब आता है Filmora X के जो न्यू वर्सन है उससे कुछ नए इंट्रोड्यूस किया गया फीचर्स उसके बारे में एक एक करके. पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर्स इंक्लूड किया गया है वो है की फ्रेमिंग एनिमेशन. प्रीवियस वर्सन में जो आप देखे थे कि एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको की फ्रेमिंग ऑप्शन नहीं मिलता था. अभी की फ्रेमिंग के लिए क्या करना है, मान लीजिए कि ये एक वीडियो है
ये वीडियो में मैं की फ्रेम डालना चाहता हूँ, तो वीडियो में लेफ्ट क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, उसके बाद देखिए एनिमेशन बोल के एक ऑप्शन मिलेगा। एनिमेशन ऑप्शन में प्रीसेट पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, उसके बाद मिलेगा कस्टमाइज। ये कस्टमाइज जो है वो है की फ्रेम ऐड करने के लिए। मान लीजिए कि इधर मैं की फ्रेम ऐड करूँगा, तो मैं ऐड कर दिया। देखिए ऐड करने साथ साथ एक सर्कल क्रिएट हो गया, ये की फ्रेम का सिंबल है। मान लीजिए कि इतना दूर तक मैं और एक की फ्रेम ऐड करूँगा और स्केल को छोटा कर दूँगा इतना सा। अभी प्ले कीजिए, देखिए कोई भी कुछ करने को नहीं है, ये की फ्रेम ऐड करने से ही और स्केल चेंज करने से आपका बेसिक एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। एक की फ्रेम से दूसरा की फ्रेम तक एक सिंबल आपको दिया हुआ है कि एनिमेशन इसमें क्रिएट हुआ है। इसके बाद मान लीजिए कुछ दूर के बाद मैं रोटेट करूँगा, तो इधर सिंपली और एक की फ्रेम ऐड करूँगा और रोटेट ऑप्शन है, रोटेट में मैं क्लिक कर दूँगा। अब आप प्ले कीजिए, देखिए रोटेट करता हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप बेसिक एनिमेशन की फ्रेम ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं एक दूसरा फीचर्स में, जो है कलर मैचिंग। मान लीजिए कि ये दो वीडियो है मेरा, ये एक वीडियो है और ये एक वीडियो है। मान लीजिए कि ये पहला वाला वीडियो को मैं सेकंड वाला वीडियो के कलर के साथ मैच करूंगा, तो सिंपली मैं पहला वाला वीडियो में राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद कलर मैच आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो ये वीडियो में डबल क्लिक करने के बाद कलर में जाइए, कलर में जाके देखिए कलर मैच ऑप्शन है, तो इसमें आप मार्क इन कीजिए। मार्क इन करने के बाद कंपटीशन व्यू पे क्लिक कीजिए। अब आप कौन सा कलर को मैच करना चाहते हो इसके हिसाब से वो देखिए, और इसमें मैच में क्लिक कीजिए। अभी एडवांस में जाके देखिए, ऑल प्रीसेट आपको दिया हुआ है, एडवांस मैच, वार्म मैक्स, शैडो डिटेल्स, वो प्रीसेट आपको दिया हुआ है। एडजस्ट में जाके आप बहुत सारा एडजस्ट भी कर सकते हो मैचिंग के अनुसार, जैसे कि वार्म मैक्स डालूंगा या तो वार्म डालूंगा तो इसके साथ मैच हो जाएगा। इससे आप दो वीडियो को एक साथ कलर मैच कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर्स दिया हुआ है वो है ऑडियो डकिंग। मान लीजिए कि ये मेरा वीडियो है और इसके नीचे मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहता हूँ, तो दिस इज द पर्पल कलर इज द वीडियो ऑडियो एंड द ब्लू इज कलर इज द ओनली ऑडियो अवे फ्रॉम। सो मान लीजिए कि इतना तक मैं मेरा वीडियो है कट किया हुआ है, ये पर मेरा वीडियो डायलॉग है, पर ये जो म्यूज़िक है इसको मैं कम करना चाहता हूँ या तो डिक्रीज करना चाहता हूँ। पहले वर्सन में क्या होता था, आपको मैनुअली डिक्रीज करना पड़ता था, अभी एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो डकिंग। इसके लिए क्या करना है, सिंपली वीडियो के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक के बाद ऑडियो में जाइए, ऑडियो में जाके एक ऑप्शन आपको मिलेगा वो है डकिंग। डकिंग ऑप्शन में मार्क इन कीजिए। देखिए सिंपली इसके नीचे वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक आप दिए थे, ये जो वीडियो के नीचे वाला बैकग्राउंड म्यूजिक अवे फ्रॉम डिक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज हो जाएगा, आपको मैनुअली करने को जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा फीचर है जो है ऑडियो डकिंग। नेक्स्ट जो फीचर आपको दिया हुआ है वो है कीबोर्ड शॉर्टकट। इसके पहले वर्सन में कीबोर्ड शॉर्टकट आपको नहीं मिलता था, अभी कीबोर्ड शॉर्टकट मिलने के लिए फाइल पे जाइए और देखिए एकदम नीचे कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। इसको लाने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस के भी आप प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड के सहारे। तो इस कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाके आपको सभी शॉर्टकट मिल जाएगा। इसमें और एक फीचर्स दिया हुआ है एडिट, मतलब आप शॉर्टकट जो डिफ़ॉल्ट है उसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो ईजी से एडिट करने के लिए। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत ही अच्छे फीचर्स है। नेक्स्ट जो फीचर्स आपको बताने वाला हूँ वो होता है लाइट मोड एंड डार्क मोड ऑफ द UI। पहले जो यूज़र इंटरफेस मिलता था उसमें डार्क मोड मिलता था, पर अभी लाइट मोड भी इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके लिए फाइल में जाइए, प्रेफरेंस में जाइए और देखिए अपीयरेंस बोल के एक ऑप्शन मिलेगा। अपीयरेंस ऑप्शन में आप डार्क मोड है और लाइट मोड है, सिंपली आप लाइट मोड में स्विच कर सकते हो।
तो जो जो क्रिएटर लाइट मोड में काम करना पसंद करते हैं वो लाइट मोड में स्विच कर सकते हो, या तो डार्क मोड में काम कर सकते हो। तो एक है लाइट मोड या तो डार्क मोड फीचर्स। लास्ट जो फीचर्स आपको दिया हुआ है वो है मोशन ट्रैकिंग, जो प्रीवियस वर्सन में कोई भी वर्सन में नहीं मिलता था। ये एक अच्छा फीचर्स है मास्किंग के लिए और मोशन ट्रैकिंग के लिए भी। तो ये कैसे करना पड़ता है, मान लीजिए कि ये एक वीडियो है मेरा, ये वीडियो में देखिए एक डांस कर रहा है। अभी मैं चाह रहा हूं कि यहां पर इसके फेस में एक ग्लास लगा दो। तो देखिए इधर मैं ग्लास डाउनलोड किया हूं गूगल से, तो मैं ग्लास को मैं नीचे डाला और इसके वीडियो के साथ मैच किया। तो ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं है इसलिए मैं ग्लास में क्लिक करूँगा और कंपोस्टिंग में जाऊँगा, कंपोस्टिंग में जाके डार्कन कर दूँगा। तो ग्लास ग्लास की तरह ही दिख रहा है, तो मैं ग्लास को थोड़ा एडजस्ट करके इसके आई पे दे दूँगा ताकि रियल लगे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मैं प्ले कर रहा हूँ तो ग्लास इसके फेस के साथ ट्रैक नहीं कर रहा है। अभी हम करेंगे ट्रैकिंग। ट्रैकिंग करने के लिए ये वीडियो में जो आप टाइमलाइन में डाले थे वीडियो में डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद वीडियो में जाइए, वीडियो में जाके एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंपोस्टिंग के नीचे मोशन ट्रैकिंग, उसमें आप मार्किंग कीजिए। मार्किंग करके राइट साइड में देखिए एक बॉक्स आपको दिखेगा रेक्टेंगल, वो बॉक्स को आप कौन सा जगह पर ट्रैक करना चाहते हो वहाँ पर आप ट्रैक के अनुसार आप दीजिए। मैं चाहता हूं कि यहां ट्रैक हो जाए। उसके साथ में मैच कर दिया। उसके बाद सिंपली प्रेस द स्टार्ट ट्रैकिंग। तो ये ट्रैकिंग फीचर अपने वीडियो के हिसाब से उसी जगह को ट्रैक करेगा। 100% ट्रैकिंग खत्म होने में आप डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा है। अगर हाई एंड सिस्टम हो तो ज़्यादा कम टाइम लगेगा, अगर मीडियम सिस्टम हो तो टाइम लगेगा। तो मेरा ट्रैकिंग देखिए कंप्लीट हो गया। ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद मोशन ट्रैकिंग डायलॉग बॉक्स में ही देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि उसके बीच में जो रेक्टेंगल के बीच में मैं कौन सा इमेज डाला हूँ, या तो कौन सा टाइटल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हो। तो वो सिंपली आपको क्लिक करना है, अभी आपको प्ले करना है। देखिए तो बोर्ड में जो ग्लास लगाया था वो इसके फेस के साथ ऑटोमेटिकली मोशन ट्रैक हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर फीचर है आपको मास्किंग करने के लिए या तो मोशन ट्रैक करने के लिए। तो ये सभी फीचर्स ये फिल्मोरा का न्यू वर्जन जो अभी अभी रिलीज हुआ है उसमें दिया हुआ है। तो आप क्रिएट कीजिए और आपने कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कि कैसा आपको ये लगा और कैसा आपको ये फील हो रहा है यूआई काम करने के लिए। तो बस आज बस इतना ही, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा यूज करके, और बहुत सारे आप वीडियो प्रोजेक्ट क्रिएट करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।